तो गाइस पिछले वीडियो में आप लोगों ने पिछले वीडियो तो पिछले वीडियो में गाइस आप लोगों ने देखा कि होप ऑफ द हिंदुस्तान गया था मून पर। होप ऑफ द हिंदुस्तान गया था सीधा मून, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। बट होप ऑफ द हिंदुस्तान भूल गया कि उसके पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य भी है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसमें ये घोड़ा भी है और इसका नाम राजा है। यार इसका नाम अगर राजा है तो फिर मैं कौन है? गाइस माहिष्मति का राजा सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है होप ऑफ द हिंदुस्तान। ओ वेट, मैं कुछ तो बोल रहा था ना शायद। तो ये पूरा माहिष्मति साम्राज्य, जहाँ के लोग, जहाँ की प्रजा सोच में चली गई कि हमारे राजा किधर गए, जहाँ के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। अरे भाई कोई तो मर जाओ ना यार, मेरे को वीडियो बनानी है। एक राजा जिसके पास खुद को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। गाँव वालों देखो, तुम्हारा मसीहा आ चुका है, मैं तुम लोगों को खाना देगा, रुको तुम लोग अभी इधर। क्या हुआ, मेरा प्रवचन बोर लगने लगा क्या? सारे लोग किधर चले गए? तुमसे ना हो पाएगा। हेलो फैमिली, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। यार ये मुंडी बाहर क्यों निकल रही है भाई, अंदर ज्यादा यार इज्जत बट डाल मेरी गजब बेइज्जती है। ऊपर 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 है मैं, पीछे इधर इधर, मार के दिखा मेरे को। क्या मार के दिखा मेरे। ओ भाई ये मारा कैसे तूने, मेरे को मारा कैसे? चलो गाइस मेरे को इससे कुछ तो मिला है, छोड़ो यार भाई पैसा बहुत है गाइस, इतना ज्यादा पैसा और इतना ज्यादा सोना सब कुछ है मेरे पास, और ऊपर से ये लोग भी मेरे को सोना ही दे रहे भाई। यार मैं इधर आ तो गया हूं, लेकिन इधर करना क्या है भाई? सब कुछ देख लेते भाई, अपना सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं। एक तो मैं पहले इतने दिनों बाद इधर आया। ओहो ये देखो अपना मस्त से काम कर रहा है गाइस। ओके तो इधर ये देखो, ये ज़ॉम्बी वगैरह आता है, इनको मारना पड़ता है। तो ये देखो यहाँ पर, लेट्स गो, मेरी डायमंड की पिकेक्स है भाई यहाँ पर। यार इस पिकेक्स को साथ रख लेता हूं भाई, वैसे भी मैं किधर मरने वाला हूँ। बात तो सही है। ये देखो गाइस, ये हमारा प्यारा गणेश मंदिर। ये देखो इधर बप्पा भी है। यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है ये बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है भाई। मैंने इधर डर्ट तो लगा दी थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। तो इधर हम लोग ऐसे कुछ ग्रीन नहीं लगा सकते क्या, जिससे ऐसा लगे कि यहाँ पर लॉन वगैरह है मस्त से खेलने के लिए? भाई मेरे को लगता है कि ग्रीन टेराकोटा बनता है, बट कैसे बनता है मेरे को नहीं पता। ओके तो ग्रीन वूल बना सकते हम लोग, ग्रीन वूल मस्त लगेगा वहां पर। ओके तो ग्रीन डाई के लिए मेरे को कैक्टस तोड़ना पड़ेगा, और कैक्टस जो है ये वाले बायोम में मिलेगी डेजर्ट में। गाइस मेरे को पता है यहाँ पर एक डेजर्ट है, हम लोग पर चलते जल्दी से ग्रीन डायल आते हैं। ओके तो ये देखो गाइस, ये वाले फ्लावर बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। ये देखो ये पूरा का पूरा रोज का गुच्छा है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं भाई, सारे के सारे उठा लेते हैं गाइस, फ्री का सामान है गाइस, कोई छोड़ते नहीं है भाई। मैं सारे घर पे लेके जाऊंगा यार मस्त से, ये बहुत प्यारे लगेंगे। तो गाइस नीचे पानी है और मैं जंप करने जा रहा हूं। अरे मम्मी, ओके ओह बाल बच गए। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और यहाँ पर डेजर्ट बायोम मेरे को ढूंढना है ना, मेरे को लग रहा है लेट्स गो। वहाँ पर बहुत सारे कैक्टस नजर आ रहे हैं, बट भाई रात क्यों होती है यार, ये रात क्यों होती है भाई हर बार? यार माइनक्राफ्ट वाले बिना रात का गेम बना देते भाई। ओके ये रहा कैक्टस, एंड मेरे को आई गेस इससे तोड़ना है, तो मेरे को ग्रीन डाइम मिलेगा। भाई इधर बहुत सारे क्रीपर लोग है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज है। नहीं मम्मी। ओके तो मेरे हिसाब से इधर एक विलेज भी था, तो मैं अभी एक काम कर लेता हूँ, उस विलेज में जाके सो लेता हूँ भाई, नहीं तो ये लोग मेरे को जीने नहीं देंगे। ओके तो यहाँ पर विलेजेस भी है भाई, तुम लोग अभी तक सोए नहीं क्या? मैं जा रहा हूँ भाई सोने, मेरे को कुछ घेना देना नहीं तुमसे। ओके फाइनली गाइस गुड नाइट। ओके तो मैं रात को थोड़ा सा नाटक कर रहा था गाइस, नहीं तो मैं इन लोगों से बिल्कुल नहीं डरता, ठीक है? मैं बस गाइस आप लोगों को ये बता रहा था कि रात को जल्दी सोना चाहिए, मैं खुद 3 बजे सोता हूँ, और मैं क्या बता रहा हूँ। ओके तो गाइस हमारे पास 50 कैक्टस हो चुके हैं, एंड मेरे हिसाब से भाई बहुत ज्यादा है, 50 में तो हो जाना चाहिए। ओ भाई ये देखो, ये देखो इधर एक विच भी है। आंटी जी दूर से नमस्ते आपको। ओके तो गाइस अभी समय हो चुका है घर पे प्रस्थान करने का, तो मैं जा रहा हूँ भाई। ओके तो चलो गाइस हम लोग अभी घर पे आ चुके हैं। ओके तो हम लोगों को गाइस इसको पकाना पड़ेगा, तब जाके ग्रीन डाई बनेगा। तो ये देखो ये रहा, तो यहाँ पर मेरे को आएगा 3 बन जाएंगे, ठीक है भाई चलो 3 बना लेते हैं, लेट्स गो। मेरे को पहले देखना पड़ेगा गाइस ये कैसा लगता है। ओके तो मैं ये यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके लेट्स गो भाई, ये देखो एकदम ये हरा भरा लगने वाला है गाइस, लेट्स गो। हेलो शिप आंटी, मेरे को थोड़ा सा वूल चाहिए आपका भाई। ऐसे एक एक करके लगाऊंगा तो पूरा का पूरा साल चला जाएगा यार। ओके लेकिन ये प्यारा लगने वाला है यार, अगर हम लोग सब तरफ ऐसे ग्रीन कर दे तो यस गाइस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने के बाद, हाँ मेरे को प्लस माइनस आता है, तो गाइस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने के बाद देखो अपने को लगने वाला है बहुत सारा वूल, और वूल बनता है शिप से, ठीक है? और शिप बनते हैं अच्छा शिप से ही बनते हैं ना, क्योंकि शिप ही शिप को जन्म देती है। यार क्या बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस हम लोगों को बहुत सारे शिप्स लगने वाले हैं, जो कि उनके बच्चों को जन्म देंगी, यानी कि बहुत सारे शिप होने वाले, और मैं इतना ज्यादा शिप क्यों कर रहा हूँ। तो गाइस हम लोग एक काम करते हैं, ये देखो ये वाला जो हमारा एनिमल फार्म है ना, ये बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है? बड़े लोग, बड़े एनिमल फार्म, बड़ी बड़ी चीजें
सब कुछ एकदम वड्डा वड्डा होगा, थोड़ा बहुत वड़ा पाव भी होगा। काफी फैलावा बिजनेस है। बहुत हो गई भाई बातें, मेरे को सीरियस होना है यार। मैं 10th के एग्जाम को भी सीरियस नहीं था, इधर क्या सीरियस होऊंगा। ओके तो गाइस हम लोग एक काम कर लेते, इसको वहां तक लेके चलते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। तो चलो गाइस बिना किसी देरी के खुदाई का काम शुरू करते हैं। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोगों को मैंने बोला था सब्सक्राइब करो, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़ॉम्बीज तुमको मरना पड़ेगा। तो गाइस हमारे पास जितना भी वुड है सब कलेक्ट कर लेते हैं भाई, मेरे को बहुत सारा वुड लगने वाला है अभी भाई। आज मेरे को फुल जोश आया, मैं पूरा का पूरा ये सामने वाला जंगल ही काट दूंगा भाई। तो गाइस हमारे पास अभी बर्च प्लैंक्स है, ओक प्लैंक्स है और ये स्प्राउस प्लैंक्स है, ठीक है भाई। इतने सारे प्लैंक्स हो चुके हैं, तो चलो भाई मैं जल्दी जल्दी काम शुरू कर देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस देखो मेरा अभी आर्किटेक्चर दिमाग ये कह रहा है कि इसको हम लोग जो है ऊपर से मस्त से ऐसा वुड वाला बनाएंगे, मतलब प्लैंक से बनाएंगे, बहुत प्यारा लगेगा। ओके तो फिर मेरे को ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। ओके तो इसको बनाते जाओ। ओके तो गाइस हम लोगों को इतना करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। ये देखो ये पूरा बन चुका है ऊपर का, एंड अभी हम लोगों को अंदर से भी करना पड़ेगा ना यार। एंड लेट्स गो। देखो गाइस मैंने ये सब तरफ कवर कर दिया है, अभी मेरे को ये बीच में की दीवार भी तोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। ओके चलो गाइस गुड नाइट। ओके तो ऊपर से देखो गाइस ये बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत प्यारा लगने वाला है जैसे ये कंप्लीट हो जाए। तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं। ए भाई ये बाहर कैसे आ गया? हेलो, ओ सर जी आप बाहर कैसे आ गए? ये देखो ये रात को खुला रह गया था जिसके कारण बंदा बाहर आ गया। ठीक है भाई जा जी ले अपनी जिंदगी भाई, तेरे को जिधर जाना है उधर जा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। ओके तो चलो गाइस हम लोग एक काम कर लेते हैं, मेरे को लगता है ये वाली स्प्राउस जो है ना हम लोग यहाँ पर ऐसे पिलर की तरह लगा देते हैं, मस्त लगेगा। ओके आई होप ये एकदम मिडल में लग रहा है, मस्त लग रहा है। ओके तो चलो गाइस हमारे पास बहुत सारे स्टोन पड़े हुए थे, तो चलो मैं जल्दी जल्दी बना लेता। हाय बाबा। ओके तो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर स्टोन ब्रिक्स बना लेते हैं गाइस, लेट्स गो। ओके तो मेरे पास बहुत सारे हो चुके हैं। ओके तो गाइस हमारे पास बहुत सारे वॉल्स हो चुके हैं स्टोन के, तो चलो मैं जल्दी जल्दी इधर लगा देता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ये लोग बाहर आ गए ना तो वांदे हो जाएंगे। अरे अंदर चलो। एक मिनट रुको गाइस, ये देखो ये छोटी सी गली है जिसमें से मैं, ये देखो मैं ऐसे ऐसे करके मैं निकल जाता है, ये देखो मैं निकल जाता है आराम से, बट ये लोग नहीं निकल पा रहे, क्या बात है। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। ओके भाई ये लोग बाहर निकल रहे हैं, तो मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इनके निकलने से पहले। ओके लेट्स गो भाई, ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। देखो ये छोटी सी दीवार है जिसके आर पार ये लोग नहीं आ सकते। लेट्स गो भाई, चलो जल्दी जल्दी इधर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स गो गाइस, चमचमाती सुबह हो चुकी है फिर एक बार, एंड चलो भाई चलते हैं अपने फार्म की तरफ। ओके तो यार मेरे को बहुत सारा स्टोन लगने वाला है, तो आई गेस स्टोन इसमें से। ओके ये देखो इधर स्टोन पक रहा है, पता नहीं यार फर्नेस में कुछ भी बनता है मैं उसको पकना पकना क्यों करता रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पकाऊ हूँ। नो गाइस आई एम नॉट पकाऊ, आई एम होपी यू। ओके तो अभी मैं ये खोल सकता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये बाहर तो नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने सब तरफ से तो पैक करके रखा है। लेट्स गो गाइस, हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस मेरे को अंदर का अरेंज करना पड़ेगा, बाहर का तो सब कुछ हो चुका है। ओके तो गाइस अभी हम लोग इनको आराम से देख सकते हैं, पहले जो है यहाँ पर फेंस लगाए हुए थे तो ये कुछ दिख नहीं रहे थे ठीक से। ओके लेट्स गो गाइस, अभी हम लोगों ने यहाँ पर गेट भी लगा दिया है, तो इसका मतलब कोई बाहर भी नहीं आ सकता। एंड यप गाइस तो मैं एक काम कर लेता है, इधर इसको ऐसा थोड़ा बड़ा कर देता है, तो फिर ये पिलर की तरह लगेगा एंड बहुत प्यारा लगने वाला है। लेट्स गो, ये वाले कोपरे पे भी लगा देते हैं ऐसा, एंड लेट्स गो। यार एक काम कर लेते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ हम लोग यहाँ पर भी वही लगा देते हैं क्योंकि ये बेस्ट लग रहा है भाई, ये देखो। ओके तो यहाँ पर गाइस रात भी हो चुकी है एंड बहुत ज्यादा अंधेरा भी हो चुका है, तो फिर मैं काम कर लेता हूँ सब तरफ जो है ये लगा देते हैं टॉर्चेस भाई। इधर अगर कोई ज़ॉम्बी आ गया ना तो वांदे हो जाएंगे गाइस, इसलिए मैं सब तरफ यहाँ पर जल्दी जल्दी टॉर्चेस लगा देता हूँ। तो देखो अभी एक सबसे बड़ा गेट तो फिर इधर लगेगा ऐसे। ओके तो हम लोग इसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि फिर ये और ज्यादा अच्छा लगे। चलो भाई इन लोगों को अपनी अपनी जगह पर भी लाना पड़ेगा, तो फिर मेरे को बहुत सारा वीट लगेगा क्योंकि शिप को ले जाने के लिए वीट लगेगा बहुत सारा। चलो इधर आओ भाई लोग, सारे के सारे लोग इधर आओ, आ जाओ गांव वालों, सारे के सारे गांव वाले इधर आ जाओ। चलो मुर्गी, सारे के सारे मुर्गी अंदर जमा होंगे, लेट्स गो भाई, पूरे के पूरे मुर्गी इधर जमा है। एंड ये कैसे घूरे जा रहे हैं मेरे को, जाओ यार मैंने देने वाला तुम लोगों को खाना, देता हूँ भाई देता हूँ, खा लो भाई सारे के सारे लोग, खा लो जी लो अपनी जिंदगी भाई, जितना खाना है उतना खा लो मुर्गी, क्योंकि आज मेरे
मेरी तरफ से पार्टी है भाई। चलो पिग्गू भाई आजा, तू इधर आजा पिग्गू भाई। भाई टेंशन मत ले, तू अभी अकेला ही है, तेरे लिए मैं बंदी ढूंढ के देता हूँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ओ भाई लेट्स गो, मैं इधर से बाहर जाने वाला था, बाहर रोड पे क्रीपर खड़ा है भाई। हेलो क्रीपर सर, थोड़ा बाजू सरको ना यार। क्या अरे भाई क्या कर रहे हैं ये सारे के सारे मिल के, हमको क्यों मार रहे हैं? ओ लेट्स गो, ये दोनों ही झगड़ा करने लगे। मारो मारो एक दूसरे को, मारो मारो भाई मारो। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। ओ नहीं क्रीपर, शिट भाई। अरे भाई फिर से क्रीपर आ गया, मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ भाई, ये लोग गजब बंदे हैं भाई। ओके तो चलो गाइस, हमारा सब कुछ हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो इधर मैंने यहाँ पर जो है, ये देखो ये सारे मुर्गियों के लिए बना रखा है। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे अंडे भी दे रखे है, पता नहीं मेरे को ऑमलेट वगैरह बनाना तो नहीं आता। बट यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर बेचारा अकेला ही है गाइस, इसके लिए एक लाइक कर देना। गाइस देखो मैंने ये दोनों को एक साथ क्यों रखा है, क्योंकि ये देखो ये दोनों जो है एक ही चीज खाते है। तो फिर आओ जाओ, आ जाओ बालको, आ जाओ गाँव वालों, सभी लोगों को मैं खिलाता है भाई, आ जाओ। तो गाइस ये देखो ये वाला सेक्शन मैंने खाली रखा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई भी एनिमल डाल सकते हैं। यार आप लोग बताओ कि कौन सा एनिमल जो है हमारे काम आ सकता है, यानी हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं उसको। तो गाइस कमेंट करके कोई तो भी एक ऐसा एनिमल बताओ जो हमारे काम भी आ सकता है, हम लोग उसको यहाँ पर रख भी सकते हैं। भाई अगर कोई यहाँ पर बोला मेरे को क्रीपर पालने के लिए, तो फिर भाई वाट लग जाएगी। ओके तो चलो गाइस, फिर एक बार रात हो चुकी है, एंड आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ओके तो चलो भाई, ये ऊपर से बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है गाइस, एकदम पूरा का पूरा सिस्टमैटिक हो गया भाई, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइस हम लोग अगले एपिसोड में, गुड बाय।